गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज जो है ना भगवालक पूजा है, जहाँ पे हम लोगों ने गृह प्रवेश के घर में गए थे ना, सेम उसी घर में जो है भगवालक पूजा है। बाकी इसने पहना है साड़ी, देखो मैंने पहना अपनी बड़ी। अभी तो जा रहे हैं हम लोग, पहले कुछ खाएंगे क्योंकि तीन चार दिनों से प्लान बन रहा था, कुछ खाएंगे तो अभी जा रहे हैं मार्केट पहले जा रहे कुछ खाने के लिए। खाने के लिए क्या, यहाँ पे ना एक दही पूरी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाता है, एक हमारे जो गोलगप्पे वाला है, सो वो खाने के लिए जा रहे। चलो चलते हैं। देखो गाइस हम लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है? इसकी साड़ी आपको कैसे लग रही है ये भी चीज़ आप कॉमेंट में बताना जरूर। गाइस मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई, मेरी अगर शादी हो गई होती ना मैं पक्का ये साड़ी पक्का पहनती। तो फाइनली वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो चलते हैं आगे। हम आ गए दही पूरी खाने के लिए, देखो हम सारे आ गए। बहन यार हो गया ना, अच्छा तो लग रहा है। हमने 3 प्लेट दही पूरी मंगवाए, 1 प्लेट हम लोगों ने फटाक से खा लिया, मुझे पता नहीं चला मुझे ब्लॉग शूट करना था। हम नेक्स्ट आ रहा है, बन गया दही डाल रहे हैं क्योंकि बोलते पक्का नहीं खाऊंगी, और ऐसे करके चाटिए बाद में कटोरी में। कह रहे चम्मच वाले चम्मच नहीं है ना, करके चाट ले। ये चाटने में जो मजा है ना, खाने में कितनी तेज अश्रुति गई। ये देखो ये दही पूरी खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे। अभी हम लोग बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, अब जाएंगे ऊपर। ऊपर जाके देखते हैं पूजा का क्या कंडीशन है, हो चुका है या फिर आवाज तो आ रही है पूजा का। तो चलो चलते हैं, पूजा कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी पूजा कैसे होता है, भगवान की पूजा मिथिलांचल में। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदाधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा खत्म हो गया पूजा, खत्म होने के बाद सबको प्रसाद मिलता है।
पंचामृत मिलने के बाद ये देखो भरुआ प्रसाद और ये आटे वाला। बाबू बाबू क्या कर रहे हो इधर देखो अनवी अनवी क्या कर रहे हो अनवी क्या कर रहे हो प्रसाद आटे वाला चौरट अनारदाना देखो ये जा रही थी अपनी मम्मी के पास इसने पकड़ लिया कह रही है आप खा लो पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद खाने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या है फिर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे फॉलो करेंगे फिर देखो दुल्हन है दुल्हन अभी हम लोग सुपारी खा रहे हैं मिट्टी बोल रहा है बोलो मम्मा बोलो मम्मा पहले बोलो मम्मा खिला दो राज्य प्रसाद खा गई कर ले So guys, अभी जीजू जो है ना वो सामान बांट के आ रहे हैं सब्जी चावल वगैरह और इसको ये खाना खिला रही है लोग आ गए खाना खाने के लिए कन्हैया भी आ गई है वीडियो बनना मुझे वीडियो दे रहा अपने दादा के लिए कितना रो रहा है दादा हाँ बोला हो का बात बा
गाइस अब यहाँ पे प्रॉपर देखो मेरा मुंह कैसे लाल हो रहा है, मैंने पान खाया है। बहुत हाँ जी, इन्होंने आज पापड़ और क्या बैठे आपने? पापड़ सब्जी और दही का शक्कर। दही का शक्कर, शक्कर नहीं दही की शक्कर। सो अभी हम लोग पूरा पूजा वूजा खत्म हो गया, हम लोग क्या क्या लेके गए थे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि हम लोगों ने, फिर आप लोग कमेंट में पूछोगे। ये देख रहा है पीछे से नहीं तो पागल है, गिफ्ट नहीं लेके गए थे हम। गाइस जो हम गिफ्ट लेके गए थे वो मैं यहाँ पे स्क्रीन इसका अटैच कर दूंगी, वीडियो फोटो जो भी होगा। वो गिफ्ट लेके गए थे, साड़ी लेके गई थी, मम्मी भी लेके गई थी और संगीता दी भी लेके गई थी अपनी तरफ से। साड़ी पीसा जी का कपड़ा संगीता दी लेके गई थी, सबका मतलब उधर की तरफ के सबका कपड़ा लेके गई थी। और मम्मी इधर का वैन, मम्मी साड़ी लेके गई थी। फल की टोकरी गई थी जो कि मैंने आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अपने हाथ में ले रखा था। फल की टोकरी गई थी, गिफ्ट गया था और क्या देखा, हाँ और आपने देखा होगा कि मैं मिठाई की दुकान पर खड़ी थी तो हम लोगों ने मिठाई लिया था, 1 किलो काजू बर्फी लिया था। और बस इतना लेके गए थे, यही होता है मिथिलांचल का कुछ रिचुअल्स जो माइके की तरफ से जाता है। बाकी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।